नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। तो हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सीपी गिवन है, एसपी गिवन है, अब भी हमको फाइंड करना है। तो हम लोग पी मीन्स प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखेंगे। तो पहले हम लोग लिखेंगे वी नो डैट हम लोग अब वी नो डैट लिखने के बाद पी का फॉर्मूला लिखेंगे। तो पी इज इक्वल होता है एफ पी माइनस सी पी। तो अब हम लोग को पी नहीं दिया है तो हम लोग पी का पी लिखेंगे इज इक्वल एफ पी हम लोग को दिया है 1200। तो अब हम लोग 1200 लिख देंगे एफ पी के प्लेस में और सी पी के प्लेस में 1000। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, पी इज इक्वल 1200 में 1000 माइनस करेंगे तो आएगा 200। तो रुपी 200 आया हमारा ए एन एस, मतलब हमारा प्रॉफिट। अब हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है सीपी हम लोग को गिवन है, एसपी हम लोग को गिवन है, लॉस हम लोग को फाइंड करना है। तो पहले हम लोग लिखेंगे वी नो दैट बाद ये जो लॉस है उसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो L इज इक्वल लॉस का फॉर्मूला होता है CP माइनस SP। अब हम लोग लॉस नहीं दिया हम लोग को तो L लॉस का L। अब CP क्या दिया है हमारा 1250, तो 1250 लिखा गया, माइनस का माइनस। एस पी क्या दिया है हम लोग को 531, तो 531। तो अब हम लोग इसको माइनस करेंगे, तो हम लोग इसको लेफ्ट साइड में माइनस कर सकते हैं। तो ये है 1250 में 531 को अब हम लोग माइनस करेंगे। तो जीरो को 10 मान लिए, 10 में से 1 9, अब कह रही 1, तो 5 में 4 माइनस हो गया तो 1, फिर ये 2 का 12, 12 में से 5 तो 7, कैरी 1 तो ये दोनों कट गया, तो ये हो गया 0, तो 719। तो हमारा लॉस इज इक्वल आया रुपी 719। आ गया हमारा ए एन एस, हमारा लॉस इज इक्वल आया रुपी 719।